हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज का वीडियो नंबर 2। आज हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल हिस्ट्री चैप्टर 1 का एमसीक्यू सीरीज करेंगे। मतलब सारे क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल टेस्ट योर नॉलेज, कंसेप्ट आपका कंसेप्ट चेक करेगा, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप लोग को देखने को मिलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू तो है बट डिफरेंट कंसेप्ट वाइज आपको दिया जाएगा, ठीक है। पहला है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑकर 1905 से लेकर 1911 तक, किसने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्रपोज किया था, इट इज एंड्रू फ्रीजर, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू प्रोविंस क्रिएटेड बाय द पार्टीशन, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, कौन वायसराय थे ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कार्जन। प्रपोज जो वेस्ट बंगाल एंड आसाम होने वाला था उसका कैपिटल क्या होने वाला था, ढाका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इनिशिएटेड द सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट पार्टीशन, किन्होंने सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया था, आउट ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हुच पब्लिकेशन क्रिएटेड ग्रेट सेंसेशन अमंग पीपल रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट, द दैट वॉज बोंगर सर्वनाश, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे मेन रीजन क्या था अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रिजली, दैट वाज डिसरप्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज पर हर्बर्ट रिजली। किन्होंने फेडरल होल का फाउंडेशन स्टोन ले किया था एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी अगेंस्ट द पार्टीशन, दैट वाज आनंद मोहन बोस, ठीक है। विच लीडर रिटर्न द नाइटहुड टाइटल, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को नाइटहुड टाइटल रिटर्न कर दिया एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। मूविंग अहेड, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपको लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड्स अलग होंगे, ठीक है। एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। एसर्शन पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 16th October 1905, डेट ध्यान रखना, डेट थोड़ा 15 भी कर सकता है, ओके। सो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लॉर्ड कार्जन ने उसी दिन 4-point प्रोग्राम भी दिया था फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशन, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बोल सकते हैं। अभी बोला कि स्वदेशी मूवमेंट वॉज सोली ए पोलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये तो सही था। इट डिड नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन लिटरेचर सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट गलत है, पूरा सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट था, कल्चर के ऊपर इंपैक्ट था स्वदेशी मूवमेंट का, लिटरेचर तो पूरा चेंजेस आया लिटरेचर में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एसर्शन तो सही है बट रीजन सही नहीं है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू बंगाल एंड डिड नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये बात पूरी तरीके से सही है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाया। यस, सम लीडर्स स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द स्वदेशी मूवमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया ऑल्सो बट दिट डिज नॉट स्प्रेड टू द मासेस, मासेस में स्प्रेड नहीं हो पाया। ओनली हिंदूज पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट, ये गलत है, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो स्टेटमेंट ए जो है, मतलब assertion सही है और रीजन फॉल्स है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल प्राइमरली डिवेंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, और लॉर्ड कार्जन ने कहा था कि एम टू क्रिएट मोर एफिशिएंट गवर्नेंस बाय डिवाइडिंग बंगाल, ये सही है, बट ये जो बोला गया है प्राइमरली डिवेंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन नहीं, प्राइमरली ड्रिवन बाय डिसरप्टिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, डिसरप्टिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये प्राइमरी कॉज था, ठीक है। सो हमारा
जो assertion है वो तो फॉल्स है, रीजन सही है. क्लियर. स्वदेशी मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सही है. बहुत सारे इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए थे, नेशनल एडुकेशन इंस्टीट्यूशन भी डेवलप हुआ था. तो इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिजिनियस स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन मेड गुड्स. हाँ दोनों सही है. ए एन आर ट्रू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सही, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहा जा रहा है वही assertion reasoning. Partition of Bengal aimed to promote administrative efficiency. Correct है. Lord Curzon believed that a smaller province would be easier to govern effectively. ठीक है. ये administrative efficiency भी promote करना चाहते थे और Lord Curzon का यह मानना था कि एक छोटा province आसानी से effectively govern किया जा सकता है. तो दोनों सही है. ठीक है. स्वदेशी मूवमेंट had significant cultural impacts. करेक्ट स्टेटमेंट है. इट हैड लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट. दोनों सही है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. नंबर 18, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल सोसाइटी विदाउट एनी रेसिस्टेंस. ये गलत है. किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था. ऑल सोसाइटी तो कभी नहीं, बट सम पार्ट, कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया था. लॉर्ड कर्जन्स प्रपोजल फॉर द पार्टीशन वॉज अनएनिमसली सपोर्टेड बाय द इंडियन लीडर्स. नहीं, ये भी सही नहीं है. तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट ही गलत है. बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग. तो इसका ऑप्शन हो यहाँ पर सही नहीं दिया. ऑप्शन एक ई भी होना चाहिए था. ऑल स्टेटमेंट ठीक है. ऑल स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये होना चाहिए. द स्वदेशी मूवमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग फॉरेन गुड्स एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट ओवर इंडिजिनियस प्रोडक्ट. गलत है, क्योंकि इंडिजिनियस प्रोडक्ट वो लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे थे. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. इंडियन लीडर्स बिलीव दैट बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स वुड लीड टू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस. ये बात सही है. इसका मतलब ए जो है वो इनकरेक्ट है, रीजन सही है. ये वाला assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. बीच देखते हैं. स्वदेशी मूवमेंट वॉज रेस्पेक्टेड टू बंगाल एंड डिड नॉट गेन सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये बात सही है. इंडियन लीडर्स वर अनएबल टू मोबिलाइज पीपल आउटसाइड द बंगाल फॉर द मूवमेंट. दोनों सही है. ठीक. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप. इस बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग टाइप. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहां पर कौन सा होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनिशिएटेड द सिग्नेचर कैंपेन. ए के साथ जाएगा आपका 3. हिवर्ट रिजले, उन्होंने एक्चुअल ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया था प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल का. अब्दुल रसूल, एक बहुत बड़ा रैली ऑर्गेनाइज किया था राजा बाजार में. ठीक है. गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने नाइटहुड छोड़ दिया था. और देवी चौधरानी, बहुत सारा फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. तो कौन सा स्टेटमेंट आपका, ये तो मैंने मैच बता दिया, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए के साथ सी जाएगा, ए 3. ठीक है. ए के साथ 3, 1 के साथ बी, 2 के साथ आपका डी सही है. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. सी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग देखते हैं. पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है. पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टेड बॉयकॉट ऑफ, उसके बाद क्या हुआ था? फिनिश गुड्स, ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट होना शुरू हुआ. स्वदेशी मूवमेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लेड किया था. राखी बंधन ऑब्जर्वेंस, ये आपका रविनाथ टैगोर ने इनिशिएट किया था. नेशनल एडुकेशन काउंसिल रास बिहारी बोस के सहायता से शुरू किया गया था. ठीक है. सो ये हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1 के साथ आपका जाता है, ए के साथ 2 जाता है. तो देख लीजिए, ए के साथ 2 वहां पर है, ए के साथ 2, 1 के साथ बी. सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट. रीजन्स ऑफ इंडिया एंड वेंट अंडर ब्रिटिश. कब ब्रिटिश के अंडर में चला गया? देखिए, यहां पर अगर आपको सारे आंसर्स पता भी नहीं है तो
तो अगर एक भी आपको पता है ऑप्शन देख लीजिए, आंसर मैच कर लेंगे। कछार 1832 में गया था, मुझे इतना पता है। सी के ए के साथ थ्री जा रहा है, तो ए का थ्री देख लीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खासी हिल्स 1833 में गया था, उसके बाद जयंतिया हिल्स आपका 1835 में गया था, अंगामी नगा हिल्स 1854 में ब्रिटिशर्स के अंडर में गया था। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेचर एंड एडिटेड बाय, बेंगोली किन्होंने एडिट किया था? बेंगोली बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मतलब ए के साथ फोर जा रहा है, देख लीजिए यहां पर चेक करके, ए के साथ फोर जो होगा वही मेरा ऑप्शन होगा। ए के साथ वन है, ए के साथ फोर है, थ्री है, ए के साथ फोर है, मतलब दो, इसका मतलब क्या है, बी और डी में कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट क्या मुझे आता है, युगांतर, युगांतर किसने किया था? भूपेंद्रनाथ दत्त, बी के साथ वन जाएगा, देख लेते हैं बी और डी में, बी के साथ टू इधर, बी के साथ वन, डी मेरा ऑप्शन करेक्ट मुझे मिल चुका है। सुप्रभात कुमुदिनी मिश्रा एंड संजीवनी कृष्ण कुमार मित्रा, सो ये सब भी आप आ सकता है, इन दैट वे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल काउंसिल ऑफ बंगाल कब फॉर्म किया गया था? इट वॉज 5th August 1902। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट क्रिएटेड टू एम टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यस इट इज वन ऑफ द रीजन, ये था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी करना चाहते थे। इट वॉज अनएनिमसली सपोर्टेड बाय इंडियन लीडर्स, ये गलत स्टेटमेंट है। लॉर्ड कार्जन प्रपोज द 4-point प्रोग्राम फॉर द पार्टीशन, ये भी सही है, तो 1 and 3 करेक्ट है। ठीक है, 1 and 3 ओनली, सो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, इट ओरिजिनेटेड सोलली एज अ पोलिटिकल मूवमेंट, ये सही है। इट लेड टू द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। द मूवमेंट प्राइमरली फोकस्ड ऑन बॉयकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ये भी सही है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिकल बंगर सर्वनाश पब्लिश्ड इन द जर्नल संजीवनी, इट क्रिएटेड अ ग्रेट सेंसेशन अमंग द पीपल अगेंस्ट पार्टीशन। ठीक है, नेक्स्ट हाउ डिड द स्टूडेंट्स ऑफ रिपन कॉलेज कंट्रीब्यूट टू स्वदेशी मूवमेंट, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया? दे वॉक्ड आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, हु प्रिसाइडेड ओवर द बिग प्रोटेस्ट रैली हेल्ड एट राजा बाजार नॉर्थ कलकत्ता, ही वॉज अब्दुल रसूल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। What was the name of the national institution established under the leadership of Avanindranath Tagore during the Swadeshi movement? उन्हें जो एक national institution उनके leadership में under में खोला गया था, that was Bangiya Kala Sangshad. Next देखते हैं। Who established the Bengal National College? किसने establish किया था Bengal National College? It was Aravind Ghosh. Who? Aravind Ghosh. Next देखते हैं। Statement and रीजनिंग, assertion reasoning, स्वदेशी मूवमेंट प्राइमरली aimed at promote foreign goods over indigenous products, ये गलत स्टेटमेंट है। रीजन क्या, इंडियन लीडर्स बिलीव दैट बॉयकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स विल वीकन देयर इकोनॉमी, ये तो सही है। अगर ब्रिटिश गुड्स, इंडियन लीडर का यह मानना था कि वो अगर ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट करेंगे तो उनका इकोनॉमी हेम्पर होगा, सही है। तो इसका मतलब आर सही है बट ए फॉल्स है, assertion is false, आर सही है, डी अपना करेक्ट आंसर। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी रेसिस्टेंस, ये गलत स्टेटमेंट है। लॉर्ड कार्जन प्रपोजल फॉर पार्टीशन अनवियसली सपोर्टेड बाई इंडियन लीडर्स, ये भी सही है, ये डी एक ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। नेक्स्ट assertion, द स्वदेशी मूवमेंट हैड सिग्निफिकेंट कल्चरल impacts, सही है, led to the promotion of western culture over indigenous traditions, ध्यान से देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है,
इट लेड टू द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ओवर इंडिजियस ट्रेडिशन, नहीं यह गलत है। इसका मतलब ए सही है, रीजन इनकरेक्ट है। अपना इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर इंप्रूव हुआ था, वो प्रमोट हुआ था ना, वेस्टर्न कल्चर नहीं, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, assertion क्या है, लेट अस चेक। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एम टू प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, करेक्ट है। लॉर्ड कार्जन बिलीव दैट ए स्मॉल प्रोविंस वुड बी इजियर टू गवर्न इफेक्टिवली, दोनों सही है। ठीक, स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताइए, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये प्राइमली एम टू प्रमोट ब्रिटिश गुड्स, बिल्कुल नहीं, यह गलत स्टेटमेंट, वन गलत हो गया। तो एक अगर गलत हो जाता है, जहां जहां वन लिखा हुआ गलत हो जाएगा, ए और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, ये करेक्ट है। इंडियन लीडर्स एनकरेज्ड द यूज ऑफ फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स, ये भी गलत है। ठीक है, इंडियन लीडर्स डिड नॉट एनकरेज द यूज ऑफ फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स, तो इसका सिर्फ टू ओनली करेक्ट होना चाहिए था ऑप्शन, ओनली टू। ठीक है, ओनली टू करेक्ट है, ऑप्शन में थोड़ी गलती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट एम टू डिसरप्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बात सही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन कारण तो यही था, डिसरप्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लॉर्ड कार्जन प्रपोज्ड ए फोर पॉइंट प्रोग्राम फॉर द पार्टीशन, ये भी सही है। वन एंड तो वन एंड टू और थ्री लिखा है कि द प्रपोजल वॉज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाई इंडियन लीडर्स, ये गलत है। तो वन एंड टू करेक्ट हो गया सी। What was the significance of the protest paper signed by 70,000 Indians during Swadeshi movement? जो 70,000 लोगों ने एक protest paper sign किया, उसका significance क्या था? इसका वही था कि it called for the boycott of British goods. ठीक है? Who laid the foundation stone of Federal Hall during Swadeshi movement? किन्होंने किया था? Federal Hall का foundation stone किन्होंने रखा था? It was Anand Mohan Bose. ठीक है? कौन है? Anand Mohan Bose. D आपका correct answer हो जाए। Swadeshi movement primarily focused on promoting foreign goods over indigenous product. ये तो गलत statement है। इंडियन लीडर्स बिलीव दैट रिलायंस ऑन ब्रिटिश गुड्स वुड स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल नहीं। अगर हम ब्रिटिश गुड्स के ऊपर रिलाई करेंगे तो क्या इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो क्या हो जाएगा? बोथ assertion एंड, ये तो गलत है, बोथ क्या हो जाएगा, ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके स्टेटमेंट आपको दिया गया है। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एम टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बिल्कुल नहीं, वो डिस्टर्ब करना चाहते थे, तो रीजन assertion तो हमारा गलत है। लॉर्ड कार्जन बिलीव दैट ए स्मॉलर प्रोविंस वुड फैसिलिटेट बेटर गवर्नेंस, हाँ रीजन सही है, बट assertion गलत है। ठीक, तो assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट लेड to the significance of economic development in India, ये सही है। It promoted reliance on imported British goods, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि assertion तो सही है but reason सही नहीं है। A is correct but R is false, incorrect. The Swadeshi movement primarily aimed at promote foreign goods over indigenous products, नहीं ये गलत है। Indian leaders believe that boycotting of foreign goods would weaken their economy. ठीक है, वीकन देयर इकोनॉमी, ये भी सही है। इसका मतलब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो दैट्स इट, हम लोगों ने करीब करीब 44 सवाल किए, मेरे हिसाब से इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं होता है तो दो बार देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा आपका आंसर्स। ठीक है,
सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को जो नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आई थिंक दिस वीडियो इज टोटली अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ सेवा। ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। सो दैट्स इट, हैव ए गुड डे, गुड बाय।